आपने वोकेबलरी कैसे तैयार की, मतलब रटने वाला पोर्शन जो बार बार भूल जाते हैं वो? वोकेबलरी का सर स्ट्रेटेजी ये थी कि बुक लेनी है बस, ब्लैक बुक वाली, उसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। पहले एक बार करा, एक दिन में नहीं होती है, पहले दिन का उसका एक पन्ना, अच्छा, एक एक पन्ना करूंगा, एक पन्ने में अराउंड 40 होते होंगे, डेली डेली एक एक पन्ना, एक पन्ना वन वर्ड वाला, एक पन्ना इडियम्स वाला, और सेपरेट सेपरेट साइनो इंटो एक साथ नहीं करा, पहले सिर्फ साइनो साइनो कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड फिर कंफ्यूज हो जाता है, साइनो साइनो के साइनो मैंने सिर्फ 25-25 करें, क्योंकि वर्ड याद करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, ईडीएम आपको याद हो जाएगी, आप अगर उसको अपने से ही जोड़ लेंगे लाइफ से, ईडीएम्स याद करना बहुत आसान, ईडीएम्स हो जाती है याद, कुछ कुछ नहीं होती है उन पे, मैं नोट कर लेता था वो एक बार ही में नहीं करा, पहली बार करूंगा तो बुक पे एक पेन का निशान भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर अगली बार करता हूँ तो ऐसा लगता है यही इंपॉर्टेंट है। लगभग उसी बुक को मैंने दो बार कर लिया, फिर तीसरी बार तक आया तो दिख जाता है कि हाँ ये वर्ड अभी भी याद नहीं हो रहा, मार्क कर लिए मार्क कर लिए, तो लगभग हर 50 वर्ड के अंदर ऐसे 10 वर्ड होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, बाकी 40 का आपको आइडिया होगा और आप ऑप्शन देखोगे तो याद हो जाएंगे। आज मैं भी हूँ तो मेरे को भी कोई डायरेक्ट पूछ ले इसका मीनिंग बता, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मेरे लेकिन को ऑप्शन देख के हो जाते हैं, ऑप्शन देख के वो आ जाता है कि ये आंसर है। हाँ, वोकैबुलरी में ऐसा होता है, जरूरी कि आपको वोकैबुलरी बिल्कुल तोती की तरह पक्की रटनी है, इतना भी दिमाग में रखो कि ऑप्शन देख के कुछ कुछ आने लगे तो भी काम चल जाएगा, ऑप्शन देख के आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये वोकैबुलरी याद करने का प्रोसेस कितने महीने में हुआ? वोकैबुलरी का तो सर आप डेली अपने मेरे रूटीन में वोकैबुलरी लास्ट तक थी, धीरे पूरे से स्टार्टिंग से ही वोकैबुलरी लास्ट तक मेरी उसमें रही है शेड्यूल के अंदर, और लास्ट के जब 15-20 दिन बचते हैं ना तो मैं हर एक वोकैबुलरी नहीं पढ़ता हूँ, जो मेरे पेन से मार्क करी भी होती है ना से उसी को देख लेता हूँ बस उसी को, और जो नोट्स में लाइक मॉक से जो नोट करते हैं ना हम लोग की मॉक में एक दो वर्ड नए आ गए उनको नोट करके सिर्फ उन्हीं को देखता हूँ लास्ट के 15-20 दिन, बाकी वो नहीं देखता, बाकी सब ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और कुछ और वोकैबुलरी याद करने की कुछ ट्रिक्स है ग्रामर में, कुछ ऐसा सजेशन जो हिंदी मीडियम वाले भाइयों को देना चाहोगे? आप हिंदी मीडियम से हो सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है तो फिर हिंदी वाले तो आपसे गुस्सा होंगे। हाँ, इम्प्रूव हो जाएगी। आपकी इंग्लिश अच्छी थी शुरू से? इंग्लिश सर नहीं सर, इंग्लिश अगर मेरे बोर्ड के नंबर भी कोई पूछेगा तो 100 में 60 होंगे सीबीएसई में, और 60 नंबर तो कोई सीबीएसई में तो बहुत खराब है। हाँ ये। अच्छा अच्छा, तो और कोई ऐसी ट्रिक्स है जो इंग्लिश में बच्चों को, या कोई सजेशन जो अपनाना चाहिए इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, कि आज समस्या केवल गणित नहीं है, इंग्लिश ज्यादा बड़ी समस्या बच्चों के लिए, उसको कैसे सुधारें? अगर वोकैब की मैं बात करूंगा तो कुछ लोग इसे रूट वर्ड से याद करते हैं। हाँ, तो कोई रूट वर्ड को फॉलो कर सकता है, जो बंदा याद नहीं करता, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई याद रख लेता है, जैसे मैं वर्ड को याद रखने को ज्यादा बिलीव रखता हूँ, किसी को रूट वर्ड से याद करता है कि एक रूट वर्ड याद करा उसी के ऊपर 20-25 वर्ड याद कर लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और बाकी मैं तो रिप्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, आपको पढ़नी पड़ेगी चाहे आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। केवल रूट वर्ड भी काम नहीं आएगा? रूट वर्ड सर काम पूरा नहीं आएगा, उससे वो ऐसे ऐसे वर्ड पूछ लेते हैं कि लाइक किसी में पहले किया कुछ पूछा था तो उसमें मैं कहाँ से रूट वर्ड बनाऊंगा, मेरे को खुद ही नहीं आता था वो वर्ड, तो ये ऐसे मॉक के अंदर कहीं आया तो स्किप करना पड़ा, तो ये हर चीज रूट वर्ड से नहीं हो सकती कि आप रूट वर्ड के ऊपर हो गए, ये मैक्सिमम आपको सेल्फ वोकैबुलरी के लिए टाइम आपका मतलब बच जाए, तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी के लिए सेल्फ ज्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये पहले आप जीएस स्कोर बताइए कि